मोदी साहब बोले, भाइयों और बहनों, आप सभी मिलके मुझे 2014 के इलेक्शन भी जिता के लाइए। मैं हर व्यक्ति को उनके जेब में जो विदेश में काला धन है वो लाकर हर एक को 15-15 लाख। तो आपको मिला 15 लाख? कैसा? यानी चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे? अरे चीफ मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते भाई, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते? 15 लाख जब देता हूं बोलते हैं और जो कहते हैं वो सब हम करते हैं। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं ये बोले रहे अपने भाषणों में, तो कहा है 15 लाख? और आपने ये कहा कि हर एक हमारे युवक है, युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 2 करोड़ हर साल मिला नौकरियां? नहीं मिला, तो ये भी झूठ बोले। अच्छा, तीसरा, किसानों की आमदनी डबल करने का, 2 गुना करने का कहा, वो हो गया? फिर क्या करे उन्होंने? नहीं, कांग्रेस को गालियां देने वाले, और वो ये कह रहे थे कांग्रेस के लोग मेरे को रोज 1 क्विंटल गालियां देते हैं। भाई हम तो 1 क्विंटल गालियां आपको नहीं देते, आप 1 क्विंटल झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोलना पड़ता है। कहां जाओ झूठ बोलते फिरते हैं। उसी तरह किसानों का देखिए, यूरिया डीएपी ये सारी चीजें मांगे करके किसान भाइयों को मैं उनको उनका विकास करूंगा। अरे आपके पास अगर विकास करने की ताकत नहीं है, हम आपको 2024 में बाहर गद्दी से निकाल देंगे। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।